सुन चिंटू, उस हीरो को ना हमें सबक सिखाना होगा, उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म नहीं करेंगे, पहले फंसाएंगे, फिर गिराएंगे और फिर नानी याद दिलाएंगे। लेकिन दीदी, उसकी नानी तो यहीं रहती है। आई एम अ डेविल। तू डेविल है तो मैं डेविल का बाप हूँ। सबसे पहले तुम सत्या, क्या हुआ भैया? ये है वश में करने का पाउडर। मतलब? मतलब ये पाउडर छिड़क कर कहना है, बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। ऐसे कोई भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। लेकिन ये आसानी से मिलता भी नहीं है, ये सिर्फ हिमालय वाले वॉशिंग पाउडर बाबा के पास ही मिलता है। इसे मेरे कमरे में रख दीजिए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। दीदी, इस वॉश पाउडर का इस्तेमाल इसी पर करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सत्या, ये डब्बा मुझे दो। लेकिन चुपचाप दे दे, वरना मैं कहूँगी कि इस बोतल में ड्रग्स है और फिर पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। दीदी दीदी, दिखाओ तो जरा। दीदी मुझे भी दिखाओ। ऊपर दिखाती हूँ, चलो। पहले इस बुढ़िया पर थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है दीदी, चलो। दादी माँ। हाँ बेटा। ये क्या हो रहा है चाचू? यहाँ बेटा, क्या हुआ? पागल हो क्या तुम? ऐसे कोई करता है? चाचू ये लाल मिर्च नहीं है, ये वश में करने का पाउडर है। पहले इस मिर्ची की वजह से आंखों में जलन हो रही है, ऊपर से तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। क्या हो गया मामा, आज होली है क्या? अरे नहीं बेटा, ना तो आज है होली और ना ही है दिवाली, फिर भी आंखों में मिर्च डाल दी इसने लाल वाली। ये वश करने का पाउडर नहीं है, चिली पाउडर है। किसी के बहाने मिर्च डाल दी आंखों में। ये हम सबको अंधा करा देगी। प्लीज मुझे पानी दे दो। ठीक है ना? मेरे साथ चलिए। क्या मेरी बीवी घर पर नहीं, नहीं है? हाँ तो चलो चलो जल्दी चलो। चलिए भैया, मैं भी चलता हूँ। अरे बन जा मेरे गुलाम। पकड़ो पकड़ो उसे। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, हिमालय से लाए थे ना? रुको, मैं अभी सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ दीदी? पहले दीदी सीढ़ियों पर गिरी और फिर इस पर गिरी। चाहे छुरी खरबूजे पर पड़े या फिर खरबूजा छुरी पर, कटता हमेशा खरबूजा ही है, ऐसे। लेकिन इन दोनों में खरबूजा कौन है और छुरी कौन है? अरे नहीं, बड़े पापा ये तो इन्हें देख लेंगे। अब क्या करें, बड़े पापा तो यहीं पर आ रहे हैं। आए बच्चों। हाय बड़े पापा। अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं। नमस्कार विजय राम भाई, ये लड़का कौन है? पहली बार देखा इसे? हमारा भांजा है, रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका से आया है। मिलकर अच्छा लगा राजा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है बेटा? फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या? अरे ये बेचारा हमसे कुछ कहना चाह रहा है पर दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। सोमराज जी, हाँ ये रजिस्ट्रेशन आज हो तो जाएगा ना? फिक्र मत करो राजा, जैसी बादशाह को मिलती है, भाईजान को मिलती है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को मिलती है, वैसे ही हमारे लिए भी रजिस्ट्रेशन के बाद ये राइस मिल ग्रैंड ओपनिंग ही है। आप में से सोमराज कौन है? मैं खुद हूँ राजा। मैडम आपको अंदर बुला रही है। मुझे बुला रही है जी। मेरा नाम कैटरीना है। नाइस नेम। नमस्कार। हाँ आप यहाँ लेने आए हैं या देने आए हैं? मैं लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भी ऐसे वाले बहुत पसंद हैं। कैसे वाले? बेचने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, खरीदने वालों पर मैं मरती हूँ। मुझे भी सिर्फ खरीदने में ही मजा आता है, बस सही दाम में मिल जाए।
रानी रानी कौन हो बदतमीज? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? काम वाली हो? पता है मैं कौन हूँ? यहाँ की रजिस्ट्रार। मर गया। लेकिन यहाँ की रजिस्ट्रार तो कटरीना थी ना। कौन कटरीना? पुलिस। ये कैसे हुआ? तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे क्या? पुलिस बोलते ही आ गए? ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट? रोमियो लफंगा। मैं लुच्चा। इतना मारूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे मारोगे? मैं तो पहले से ही ठीक ठाक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी रोमियो स्क्वाड। अरे आंटी रोमियो स्क्वाड, मैंने तो किसी आंटी को नहीं छेड़ा। ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे छेड़ा है, मेरे गालों को छुआ और फिर रानी भी कहा। ये क्या, इतनी सी बात के लिए अरेस्ट करोगे? गाल को छूने से रेप हो गया। मजनू के औलाद, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। चल पुलिस स्टेशन चल। एक मिनट रुको सर, यहाँ कटरीना नाम की रजिस्ट्रार काम करती है। वो रही, अब उसे छेड़ेगा क्या? रोमियो लफंगा लुच्चा। रोमियो लफंगा लुच्चा मैं नहीं हूँ। वो काम वाली है। मैं नहीं मानता, यही मैडम रजिस्ट्रार है और ये काम वाली है। पुलिस ले जाओ इसे। यस। हाँ चलो, काम वाली कहीं की। चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे। मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होने दूंगा। देख चोमू, एक बात सच कहूँ तो पैसा बोलता है, तू दाम दे दे और मिल ले ले। जब तक तू उस मिल के सही दाम नहीं देगा, तब तक मैं तुझे वो मिल खरीदने नहीं दूंगा। इसी तरह सताता रहूँगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तुझे क्या लगता है, जिस राइस मिल की कीमत 50 लाख है, उसे तू आसानी से 4 लाख में खरीद सकता है? सुन बे, मैं बहुत ही खतरनाक विलन हूँ, ये रजिस्ट्रेशन मैं नहीं होने दूंगा। ए सुन। हाँ भाई। अक्सर हीरो विलन के पीछे पड़ता है, विलन हीरो के पीछे पड़ता है, यहाँ विलन विलन के पीछे क्यों पड़ रहा है? सर रजिस्ट्रेशन में रोड़े डालने आए हो तुम यहाँ? तुम सिर्फ इस डील को नहीं रोक रहे, बल्कि मेरी बेटी की शादी रोक रहे। मुझे ये राइस मिल नहीं बेचनी है मामा। मुझे मामा कहने की हिम्मत मत करना, समझे? मुझे पता है कि तुम्हारी परवरिश में ही खोट रह गई है। मैंने तुम्हें यहाँ हमारी मदद करने के लिए बुलाया था, अब उन लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा बताओ मुझे। नमस्कार विजय जी। समधी जी नमस्कार। आप ऐसे अचानक? मैंने सुना आप अपनी राइस मिल बेच रहे हैं, वो भी शादी करने के लिए। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है विजय जी, ये मेरे बेटे की भी शादी है, इसलिए शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हम बस चाहते हैं कि बेटी हमारे घर लक्ष्मी बनकर आए। जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो मुझे लगा भगवान है ही नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद मेरे घर आकर मेरी बेटी को ले जा रहे हैं। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, शादी का दिन तय करते ही मैं आपको बता दूंगा। अब चलता हूँ। धन्यवाद। कहने को तो हमारे कई रिश्तेदार हैं, लेकिन सही रिश्तेदारी कोई और निभा रहा है। लानत है। सोमू, वो शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए, समझ गए? राजा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, शांत हो जाओ, फिक्र छोड़ दो, ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। कम ऑन। यस। सत्या सत्या। हाँ दीदी। दिखाई नहीं देता वहाँ कचरा पड़ा है? इस कचरे को घर से निकालो अभी। ए, तुम कार्तिक से ऐसी क्यों बात कर रही हो? पहले तो इसकी माँ ने भाग कर शादी की और हमारा नाम खराब कर दिया, फिर डैडी के दोस्त ने दगा दिया और हमारी हालत और बुरी हो गई। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो हमेशा बुरा ही करते हैं। मुझे अपने घर में बुरे लोग नहीं चाहिए, मैं इससे नफरत करती हूँ। श्रुति, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसी की वजह से मेरी शादी हो रही है। राइस मिल बेचने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसने ऐसा किया। इसी ने मेरे ससुराल वालों को समझाया कि वो शादी बिना दहेज के करे। अगर ये नहीं होता तो मेरी शादी नहीं होती और ये परिवार खुश नहीं होता। I'm sorry, कार्तिक। Hey,
अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया था पुष्पा, आई हेट टीयर्स। कार्तिक आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डैडी हम मंदिर जाकर थोड़ी देर में लौट जाएंगे। ठीक है बेटा। तुम बैठ गई? हाँ बैठ गई। बॉस वो दोनों अभी भी बाइक पे निकल गए। हेलो बेटा घर पर है क्या समधी जी? वो तो दो मिनट पहले ही मंदिर के लिए गया है, वहाँ से सीधा शादी में आएगा। अब वो नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? इस वक्त तुम यमराज से बात कर रहे हो। आज तुम्हारा बेटा मरेगा। मरेगा और वो सीधा ऊपर जाएगा। जाएगा। तुम्हारे बेटे की स्टोरी खत्म। खत्म। टाटा सी यू बाय बाय। खेल शुरू किया जा।